इसके बाद में जो रुधिर समूह वाला जो व्यक्ति है ए वाला है, वो कौन कौन से ब्लड से, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, इसके आधार पर हम नेक्स्ट जो पॉइंट इसका जो बना रहे यहां पर वो है रुधिर ले सकता है, रुधिर ले सकता है, किससे ले सकता है और किसको ये दे सकता है, रुधिर दे सकता है। और इसके अलावा भारत में मात्रा, भारत में प्रतिशत मात्रा, यहां से देखेंगे रक्त समूह ए है, ए वाला व्यक्ति कौन कौन से को दे सकता है, ए वाला दे किसको नहीं सकता, इस चीज को देखेंगे, जिसके अंदर ए के विरुद्ध एंटीबॉडी है कटले से, ये उसको नहीं दे सकता, यानी कि देखें ए चले यहां पर किससे ले सकता है, ए से ले सकता है अपने समान से, इसके अलावा किससे ले सकता है, सर्वदाता, सर्वदाता कौन है, ओ, उससे ये ले सकता है। इसके अलावा यदि ये बी से लेता है, बी से लेता है तो उसमें पहले से ही एंटीजन क्या है, बी, और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, ए यहां पर, और वो क्या हो जाएगा वहां पर, इसके आरबीसी जो है वो आपस में चिपक जाएगी, इस वजह से ये बी का नहीं ले सकता, ना ही ए बी का ले सकता, सिर्फ ए और ओ का ले सकता है। नेक्स्ट बी सेम रहेगा, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी ये किससे ले सकता है, सर्वग्राही है इस वजह से सभी का ले सकता है, ए बी और ओ, ओ किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो दोनों उपस्थित है, यदि रुधिर वर्ग ए आता है तो उसके लिए भी एंटीबॉडी है ये उसका विरोध करती है, बी का आता है तो बी के लिए बी उपस्थित है एंटीबॉडी, वो भी रक्त समूह का विरोध करती है, दोनों का आता है तो दोनों का विरोध करने के लिए यहाँ पर ए बी का विरोध करने के लिए ए और बी दोनों एंटीबॉडीज में उपस्थित है, इस वजह से ये उनका नहीं ले सकता, सिर्फ किसका लेगा, ओ रुधिर वाले व्यक्ति का ही ये ले सकता है, ये सभी का ले सकता है, इस वजह से सर्वग्राही। नेक्स्ट रुधिर दे किसको सकते हैं, ए वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, एक तो सर्वग्राही को और एक अपने वाले, एक तो ए को दे सकता है, एक साथ में किसको दे सकता है, सर्वग्राही कौन सा है, ए बी, इसके अलावा ये बी को नहीं दे सकता, बी को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि बी के अंदर पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है ए, जो कि ए का विरोध करती है, यदि ए ब्लड ग्रुप का ब्लड आता है इसमें तो पहले से एंटीबॉडी है और ये इसको क्या कर देगी, नष्ट। इसी प्रकार से यदि ए बी का भी इसमें आता है तो पहले से ए है, जो कि ए बी में उपस्थित एंटीजन ए इसका ये विरोध करती है, इस वजह से इसका नहीं ले सकता, सेम बी बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ये सर्वग्राही सभी का ले सकते हैं लेकिन दे किसको सकते हैं, सिर्फ ए बी को, सर्वदाता सभी को दे सकता है, ए बी, ए बी और ओ, ये सर्वदाता, ये यहां से हो गया। इसके बाद भारत में प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा कौन सा रुधिर वर्ग के व्यक्ति जो है वो कितने प्रतिशत मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ए वर्ग वाले व्यक्तियों की जो मात्रा है भारत में वो परसेंट के रूप में 23.5% पाए जाते हैं, बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी संख्या 34.5%, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो है वो भारत में 7.5%, और ओ रुधिर वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या भी 34.5% होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे, ये ब्लड ग्रुप है ए, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी जो है वो बी है, ए बी, ए बी, ओ, यदि ए वाला रुधिर इसमें लाते हैं तो इसके अंदर एंटीजन ए है, इसमें भी एंटीजन ए है, एंटीबॉडी इसमें बी है, जो कि यह आसानी से इसको दे सकता है,
बी वाला यदि इसको देता है तो एंटीजन बी में क्या है, बी, और यहाँ पर एंटीबॉडी बी है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन का विरोध करती है क्योंकि ये दोनों क्या है, समान। जो भी एंटीबॉडी है वो अपने समान एंटीजन या अपने समान ब्लड ग्रुप के एंटीजन का क्या करती है, विरोध, इसलिए इसका नहीं ले सकता। एबी, एबी में एंटीजन एबी है और बी भी है, दोनों है, यहाँ पर एंटीबॉडी बी है जो इसका विरोध करती है, इसलिए एबी का रुधिर भी ये नहीं ले सकता। ओ हमें एंटीजन जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इस वजह से ये इसमें आसानी से इसको ले सकती है। तो इस प्रकार से रुधिर कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रुधिर ले सकता है और किससे नहीं ले सकता, ये उसमें उपस्थित एंटीबॉडी पर निर्भर करता है, और जो एंटीबॉडी उसमें पाई जाती है उसके समान एंटीजन वाला रुधिर वो नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से ये सारणी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है इसमें, और वो है आश्लेषण, रक्त समूहन, रक्त समूहन या फिर आश्लेषण। इसका मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में, किसी व्यक्ति के रुधिर में रुधिर समूह मिला दिया जाए, जैसे ए है और इसमें ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, इसको यदि बी वाला चढ़ा दिया जाए तो इसके अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, अब यहां से बी वाले रुधिर को इसमें डालेंगे तो इसमें पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है इसके विरुद्ध, तो ये इनकी जो आरबीसी होती है वो आपस में चिपक जाती है और व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, रक्त समूहन या फिर आश्लेषण। धन्यवाद।